बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सलीना हसन है और आज का जो मेरा टॉपिक है कि हम ख़ास तौर पर मुझे अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए जो मेरा ये टॉपिक है कि अल्लाह ताला ने हमें काम करने के लिए पैदा किया है। मतलब अगर सिर्फ अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत होती तो फरिश्ते अल्लाह के लिए काफ़ी होते हैं, जो कि 24 घंटा अल्लाह के हुक्म से उनकी इबादत करते। तो अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ इबादत के लिए नहीं, हमें काम के लिए भी भेजा है दुनिया में। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे क्या हम काम कर रहे हैं, क्या काम करना सिर्फ बर्तन धोना होता है, सिर्फ किचन के दौरे से काम कर लें, आपने सफाई कर ली, आपने थोड़ी डस्टिंग कर ली, क्या यही काम है सिर्फ? काम करने का मतलब होता है प्रायोरिटीज़ देखें कि इस वक्त क्या है। इंसान को जंगल में भी काम करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है, वो कोई बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं जाता। आपको हर किस्म का काम करना चाहिए, आपको अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। सोना भी एक काम है, कहती हूँ सोना भी एक काम है। सोने में भी बुराई नहीं है कि अगर आप दोपहर को सोते हैं, रात को सोते हैं, तो ये अच्छी बात है और रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन काम करें, एक्टिव रहें, अपने आप को बिज़ी रखें, अपनी प्रायोरिटीज़ देखें कि अभी मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर बच्चों को पढ़ाना प्रायोरिटीज़ है तो पहले बच्चों को पढ़ाएं, बर्तन धोने के लिए मासी रख लें। अगर प्रायोरिटीज़ देखें, काम सिर्फ बर्तन धोना नहीं है, काम सिर्फ खाना पकाना नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। घर को मैनेज करना होता है, बाहर आपको दुनिया को मैनेज करता है, ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन को मैनेज करना पड़ता है, सारी चीज़ें करना था, आपको बहुत एक्टिव होना पड़ता है, आपको मुख्तलिफ शोबों में आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो माशरे को तबाही में जा रहा है माशरा, वो है लुक बिज़ी डू नथिंग। यानी हम अपने आप को शो करते हैं कि हम तो सारा दिन घर में लगे रहते हैं, हम ये काम हमने किया क्या, क्या हमने, मतलब आपका जो काम है ना वो नज़र आना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए आपको। बस हमारे यहाँ ये है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने वो कह दिया, फ़लाँ से ये हो गया, फ़लाँ अमीर है, फ़लाँ गरीब है। हमारी औरतें इन चीज़ों से निकल जाएँ, पॉलिटिक्स ख़त्म कर दें, अपने आप को बिज़ी रखें, अपने आप को फिट रखें। अगर मैं अपने आप को एक्सरसाइज करूँ, ये भी एक काम है। अगर मैं अपनी डाइट में अपना ख्याल रख रही हूँ, उसको मेहनत कर रही हूँ, जूस बना रही हूँ, शेक बना रही हूँ, लस्सी बना रही हूँ, कुछ अलग से बच्चों को बना के दे रही हूँ, तो ये सब काम में शामिल होता है। तो अपने आप को काम में बिज़ी रखें। मैं सिर्फ ये कहूँगी, जैसे मैंने कहावत पढ़ी, अ वुमेन शुड लुक लाइक अ गर्ल, अ वुमेन शुड वर्क लाइक अ हॉर्स, एंड अ वुमेन शुड थिंक लाइक अ मैन। तो औरत को इस तरह होना चाहिए कि वुमेन शुड वर्क लाइक अ हॉर्स, औरत को घोड़ों की तरह काम करना चाहिए। खुदा के वास्ते इन पॉलिटिक्स से निकल जाएं। अल्लाह हाफिज़।